सो हे गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए एक्सपेरिमेंट वीडियो में। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक आइडिया, छोटा सा आइडिया शेयर करना चाह रहा हूँ। तो गाइस, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। और गाइस, ये आइडिया बहुत ही यूजफुल है आपके, अगर आप डेली प्रोजेक्ट वगैरह बनाते रहते हो तो गाइस ये आइडिया जरूर यूज करना है। चलिए फटाफट चलते अपने वर्किंग टेबल पर, करते हैं काम को शुरू। सो यहाँ पर हम सबसे पहले ये कोई से भी कबाड़ में से दो पुराने वाले ख़राब बल्ब लेने हैं। सो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये अभी ओपन है, इसे रखते हैं साइड में, ठीक है। इसे से हम काम चलाएंगे। और सबसे पहले हमें इसे निकालना है यहाँ से। सो ये हो गया। उसके बाद हमें इस सर्किट को यहाँ से निकाल देना है, उसके बाद ही हम आगे का काम करेंगे। तो चलिए फटाफट हम इसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों नोजल्स को हम आरी से कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने बिना किसी नुकसान पहुँचाए सर्किट को हमने अच्छे तरीके से निकाल दिया है। और हम मैं चाहे तो यह इस सर्किट को नुकसान पहुँचा सकता था, मैं इसे फोड़ सकता था, लेकिन मुझे कोई भी चीज़ को हानि नहीं पहुँचानी है, क्योंकि वही चीज़ हमें आगे जाकर काम में लेनी है, ठीक है। सो कोई भी चीज़ फेंकने की नहीं होती, और ये सर्किट अभी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। सो इसे रखते हैं साइड में, हम इसे दूसरे प्रोजेक्ट में लेंगे। सो गाइस, अभी जो हमारा मेन काम जो है यहाँ पर ही है, इसी में, ठीक है। सो ये जो आपको प्लास्टिक का ये कवर दिख रहा है, इसे हमें निकालना है, हटाना है यहाँ से, ठीक है। सो चलिए हम इसे फटाफट हटा देते हैं। और यहाँ पर इसे भी हमें सावधान पूर्वक निकालना है। तो यहाँ पर अभी हमें इस मुंडी को भी यहाँ से निकालना है। और यहाँ पर ये जो पार्ट अभी बच रहा है, इसे भी हमें निकाल देना है। तो यहाँ पर अभी ये फाइनल हो गया है, ठीक है। और अभी हमें यहाँ से इसे बीच में से कट कर देना है इक्वल, ठीक है। सो अभी ये कट जाने के बाद हम इसे एकदम सीधा कर देंगे, एकदम मतलब कि इसकी शीट बना लेंगे। सो यहाँ पर हमने ये शीट बना ली है। सो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से हमने कट लगा दिया है स्क्वायर में, ठीक है। और गाइज, अभी हमें यहाँ पर बीचों बीच इसके होल कर देना है। तो चलिए फटाक से करते हैं। गाइज, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने होल कर दिया है। सो यहाँ पर अभी हम जितना मैंने मार्क किया है उतना मैं यहाँ पर बैंड लगा दूंगा। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इसका काफी अच्छे तरीके से इसको शेप दे दिया है। सो गाइस, ये बन चुकी है हमारी छोटी सी हीट सिंक। और अभी आपको मैं इस पर एक आईसी लगाकर दिखाता हूँ। सो गाइस, ये मेरे पास है 7805 आईसी, ठीक है। और अभी आपको मैं मेरे इस बनाए हुए हीट सिंक पर लगा के दिखाता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर हमने अपने हाथों से बनाई हुई हीट सिंक पर अपनी आईसी लगा दी है। और गाइज, आईसी का मतलब हीट सिंक का काम यही होता है कि आईसी को ठंडा रखे। और गाइज, ये आइडिया मैंने इसलिए बताया कि मेरे जो गरीब सब्सक्राइबर हैं मेरे जैसे, वो हर एक प्रोजेक्ट में हर एक चीज़ कंपोनेंट वगैरह खरीद नहीं सकते मेरी तरह, ठीक है। सो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, हमें आइडिया लगा करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। और गाइज, अगर हम हीट सिंक की बात करें ऑनलाइन ख़रीदने की, तो गाइज प्राइस बहुत ज़्यादा ही होती है इसकी। और गाइज, अभी आपको ये आइडिया मैंने बता दिया है, तो आप इस आइडिया का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं भी करूँगा आगे, आप घर पर इस आईसी को बना, मतलब कि हीट सिंक को बना सकते हो, ठीक है। तो गाइज, ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।